सूरह ज़ुमर की एक आयत है जिसको मुफस्सरीन का ख्याल ये है कि कुरान पाक की सबसे ज्यादा उम्मीद अफजा आयत, यानी उससे बड़ी कोई उम्मीद अफजा आयत और हो नहीं सकती जितनी ये आयत। और वो क्या है, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया। अब देखें इसमें तर्ज तखातुब भी अजीब है अल्लाह ताला की तरफ से, सुभान अल्लाह, मेरे बंदों से। अब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, वो गुनाह किए बैठे हैं और अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे हैं। अच्छा, उनको उनसे कह दीजिए क्या, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, क्यों ना मायूस हो, इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीअ, अल्लाह ताला सारे के सारे गुनाह माफ कर देगा, क्यों माफ कर देगा, इन्नहु हुवल गफूर रहीम, बेशक वो है ही बहुत बख्शने वाला और हमेशा रहम करने वाला, ये उसकी इसलिए कर दे, क्यों कर देगा, इसलिए कर देगा कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, वह अनीबू इला रब्बिकुम वअस्लिमू लहू, तुम ऐसे करो कि तुम अपने रब की तरफ झुक पड़ो, वह अस्लिमू लहू, और अपने आप को उसके सामने सबमिट कर दो, अपना आप उसके सुपुर्द कर दो। अगर ये काम, एक काम इंसान ने करना है कि अपने आप को अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दे, तो फिर वो सारे गुनाह माफ कर देगा, फिर मायूस होने की क्या बात है। सही।